सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल मिन्हास व्लॉग्स। होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइज, आज जो है मैं बहुत ही थोड़ा सा सैड हूँ, बिकॉज मतलब कि मेरे को आज अपना कुछ एक चीज़ तोड़ना पड़ेगा। क्या हुआ कि मतलब कि अभी हमने ना घर पे कुछ काम करवाया है, जो पानी है यहाँ पर बहुत शॉर्टेज है, तो हमने सप्लाई का पानी जो है उसका पूरा लगवाया, तो उसके लिए जो थे पैसे बहुत लगे, है ना। तो उसकी वजह से तो मम्मी पापा के पास थोड़ी पैसों की थोड़ी सी अब शॉर्टेज चल रही, साथ में अभी एडमिशन्स भी करवानी है। तो उसकी अब मैंने बताया था, सिर्फ मम्मा को पता है कि मेरे पास मैंने अपनी जो भी मनी है मैंने सारी सेव करके गुल्लक में डाली थी अपनी। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो जो गुल्लक है वो तोड़कर उसमें से जितने पैसे निकलते हैं मैं वो दे दूँ मम्मी पापा को अभी। ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि मैं बर्थडे पर वो तोड़ूंगा, बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी तोड़ लेता हूँ और मैं बर्थडे तक क्या पता और जोड़ लूँ। तो मैं सोच रहा हूँ अब मैं तोड़कर वो दे दूँ, तो मैं आपको बताता हूँ क्या फाइनल मेरा डिसीजन है। अभी तक मैं बिल्कुल फाइनल नहीं बता पाया हूँ, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं तोड़ूंगा। तो अभी मेरे को पता नहीं, फैन भी लगा, फिर मुझे बहुत गर्मी लग रही, पसीना आ रहा है मुझे। तो मैं आपको वैसे दिखाता हूँ मेरी गुल्लक, वैसे वो बहुत भारी भारी है। अप्रॉक्सीमेटली मेरे को लग रहा है उसके अंदर 5-6 thousand तो आराम से होंगे, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, बट 5-6 thousand तो आराम से होंगे ही होंगे। तो देखते हैं, मिलते हैं आपको, उसको जब तोड़ूंगा तब आपको दिखा दूंगा। तो अभी के लिए स्टे ट्यून। तो गाइज, मेरा फाइनल डिसीजन मैंने बना लिया है। तो मेरा डिसीजन यही है कि मैं अपनी ये गुल्लक तो है तोड़ दूंगा, और वैसे बहुत भारी है, तो देखते हैं इसके अंदर कितना माल निकलता है। तो अभी देखा मैं इसे, देखो तो इसके अंदर पैसे तो नोट्स दिख रहे हैं और कॉइन्स की भी आवाज़ आ रही है, आपको भी आ रही होगी ना। तो इसको तोड़ते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं कि इसके अंदर कितने पैसे निकलते हैं। सो बाय बाय। डॉलर डॉलर, ये मियाँ गुग्गी कैचा है। डॉलर क्या हुआ? डॉलर डॉलर को चाहिए, डॉलर को ये चाहिए, इसको रूम में बंद कर देंगे तो खतरा है, इसको भी यही खाना। मुझे पैसे चाहिए, कह रहा हाँ। डॉलर नो, बदतमीज। तो गाइज, मैं आपको डॉलर की एक न्यू रूटीन बताने जा रहा हूँ। तो डॉलर जो है उसके लिए हमने दवाई लाई है, बिकॉज़ वो खाना बहुत खाता है लेकिन उसे खाना लगता नहीं है, उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलता उस खाने का। तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया और डॉक्टर ने इसको कुछ दवाइयाँ दी हैं। तो दवाइयाँ डॉक्टर ने बोला ऐसे खाएगा नहीं, क्योंकि वो थोड़ा टेस्ट उसका गंदा सा है, तो इसको इंजेक्शन के थ्रू ही खिलानी पड़ेगी। मतलब जो उसकी उसके अंदर निडल नहीं है, बस ऐसे इंजेक्शन की वजह होती है पूरा वो है। तो लेकिन ये इंजेक्शन से इतना डर रहा है ना, और उसे मतलब उसे इंजेक्शन देखकर ही समझ आ जाता है कि ये दवाई जो है मुझको खिलाने वाले हैं। और तो ये पापा ने इसको पकड़ा हुआ, तो ये फिर भी दवाई नहीं खा रहा है, इसको मतलब इतना डर लगता है इस दवाई से। ऐसे बाकी सारी खा लेता, बस ये पिंक वाली दवाई है ना ये नहीं खाता, क्योंकि इसका शायद उसको टेस्ट नहीं लगता, और इंजेक्शन देखकर उसे बड़ा लगता है, क्योंकि इंजेक्शन से इसको यही पिंक वाली दवाई मिलती है। तो और जब भी खाता ना, झाग निकाल कर सारी निकाल देता है बाहर ये। अब पता नहीं अब खाता है कि नहीं खाता, तो आप देखते रहिए। तो गाइज, इसी खुशी में हम गए थे विशाल मेगा मार्ट, और वहाँ पर हम कोई 3-4 घंटे बस कुछ चीज़ें लेने में ही लगा दी है हमने। और वहाँ से मैंने अपने लिए कुछ शर्ट्स और कुछ शॉर्ट्स ली हैं, तो मैं आपको सॉरी टी शर्ट्स ली हैं, मुझे तो कन्फ्यूजन होती है शर्ट्स और टी शर्ट्स में। तो मैंने कुछ टी शर्ट्स और कुछ शॉर्ट्स ली हैं, तो मैं आपको वो नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगा। तो गाइज, अब बेशर्मों की तरह मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ मॉल में भी, तो अपना सामान मैंने ले लिया है, तो अब लव कुश का लिया जा रहा है, तो मैं अभी बोर हो रहा हूँ। तो कहावत है, अपना काम बनता भाड़ में जाई जनता। तो मैं सोच रहा हूँ अब जल्दी से घर चले, मेरा काम तो हो गया लव कुश के रहने। तो गाइज, आज बैसाखी है, तो हम सोच रहे थे कि हम बाई वाली माता जाएंगे, तो हम आज गए हैं। तो वहाँ पर इतना तूफान चल रहा था ना, कभी एक इस साइड से आ रहे बोर्ड्स गिर रहे थे, कभी दूसरी साइड से यहाँ दुकानों के बोर्ड गिर रहे थे, तो तूफान बहुत ज़्यादा चल रहा था।
तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज मन्हास व्लॉग्स। बाय बाय।